आवाज बदल कर लूट लिए एक दशमलव चार लाख रुपए मार्केट में आया नया स्कैम ऐसे रहे सावधान सोशल मीडिया और ऑनलाइन बैंकिंग के दौर में साइबर फ्रॉड और स्कैम के मामले लगातार सामने आते हैं अब एक चौंकाने वाला स्कैम सामने आया है जिसमे धोखाधड़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है ये है पूरा मामला कनाडा की एक उनसठ साल की महिला एआई जनरेटेड वॉयस फ्रॉड का शिकार हुई और उसे एक दशमलव चार लाख का नुकसान हुआ है कॉल करने वाले ने महिला के भतीजे की आवाज़ में उससे मदद के नाम पर पैसे की मांग की थी जैसा कि हमने बताया स्कैमर ने एआई जनरेटेड वॉइस वॉयस का इस्तेमाल किया था तो ऐसे में महिला के बाद संदेह की कोई वजह नहीं थी स्कैमर ने पीड़ित के भतीजे की आवाज़ में अपने एक्सीडेंट की बात कही और कानूनी परेशानी के कारण तुरंत पैसे की मांग की महिला ने इमरजेंसी समझकर स्कैमर के बताए गए अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए आपको बताते हैं ए आई वॉयस से बचने के तरीके कभी भी फोन पर पर्सनल जानकारी न दें जब तक कि आप कॉलर की पहचान के बारे में निश्चित न हों। यदि कोई परिवार या रिश्तेदार बनकर पैसे की मांग कर रहा है तो तुरंत पैसे भेजने से बचें और एक बार उसके नंबर पर कॉल करें या परिवार के अन्य किसी सदस्य से बात करके स्थिति की गंभीरता की जाँच कर लें उन कॉल करने वालों से सावधान रहें जो तत्काल पैसे या पर्सनल जानकारी मांगते हैं यदि आपको किसी कंपनी के नाम से फोन किया जा रहा है और आपको कॉल करने वाले पर संदेह हो रहा है तो कॉल काट दें और सीधे कंपनी को वापस कॉल करें लेटेस्ट एआई वॉयस स्कैम टेक्नोलॉजी से अवगत रहें स्कैमर्स लगातार धोखाधड़ी के तरीके खोज रहे हैं ऐसे में किसी भी झांसे में आने से बचें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें यदि आपको संदेह है कि आपको एआई वॉयस स्कैम के लिए टारगेट किया जा रहा है तो तुरंत साइबर पुलिस में इसकी रिपोर्ट करें